वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अध्याय सात, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या मौलिक तथा मौलिक कर्तव्य हैं। भूमिका। 200 वर्ष तक शासन और शोषण करने के बाद अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत से विदा हो गए। उन्होंने इसके एक पिछड़ा हुआ देश बना कर छोड़ दिया, इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को छिन भिन कर दिया। भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के स्तर से भी नीचे जीवन जीने वाले बाध्य हो गया। कृषि योग्य भूमि का अधिकार हिस्सा बड़े जमींदारों के पास था। बैंकों और उद्योगों पर पूंजीवादियों का नियंत्रण था। बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी तो आम बात हो गई थी। स्त्रियों का स्तर अत्यधिक दयनीय था। कृषकों और मजदूरों का शोषण किया जाता था। बुढ़ापे में कोई चिकित्सा संबंधी सुविधा नहीं थी और ना ही औरतों के लिए प्रसूति संबंधी सहायता का प्रावधान था। अधिकतर लोग अनपढ़ थे। कार्यपालिका और न्याय संबंधी सहायता सत्य दोनों जिला प्रशासन में ही केंद्रित थी। गरीबों को न्याय देने के लिए कोई भी प्रभावी तंत्र नहीं था। हमारे संविधान के निर्माताओं भारत को एक समृद्ध और शिक्षित राष्ट्र बनाना चाहते थे, परंतु देश के साधन इतने सीमित थे कि बहुत से अधिकारों का प्रावधान मौलिक अधिकारों के भाग में नहीं किया जा सकता था। फिर भी संविधान निर्माता किसी न किसी रूप में बंधन प्रावधान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधानी में सम्मिलित किया। इस पाठ में आप नीति निर्देशक सिद्धांतों के अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की धारा 51 में सम्मिलित किया गया। उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन बता सकेंगे। नीति निर्देशक तत्व का आर्थिक एवं सामाजिक गांधीवादी तथा अन्य विधि वर्गों में वर्गीकरण कर सकेंगे। शिक्षा की व्यापकता को प्रेरित करने, बाल मजदूरी का उन्मूलन करने और स्त्रियों की दशा को सुधारने में नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका को समझ सकेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा राज्य कल्याण संबंधित विचारों पर सुनवाई गई। कार्य प्रणालियों को भारत में व्यवहार में लाए जाने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। इस बात का विश्लेषण कर सकेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में सरकार के महत्व का परीक्षण कर सकेंगे। मौलिक कर्तव्यों के प्रसंग की समीक्षा कर सकेंगे। व्याख्या कर सकेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में संकलन किया गया। संविधान में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों की पहचान कर सकेंगे। मौलिक कर्तव्यों को न्याय योग्य ना होते हुए भी उनके महत्व को समीक्षा कर सकेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन का अर्थ। संविधान के निर्माताओं सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने में बड़ी उत्सुक थे। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए कई अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करना चाहते थे, जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने आदि को मौलिक अधिकार की सूची में सम्मिलित करना चाहते थे, परंतु उन्होंने देश में अशिक्षा और बेकरारी जैसी समस्याएं की जटिलता को महसूस किया। वह देश के अप्रत्येक और सीमित भौतिक स्रोतों के प्रति जगह सजग थे, इसलिए उन्होंने उनको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने कुछ अन्य अधिकारों को, जिसमें विशाल धनराशि का प्रावधान हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान के
के भाग चार में सम्मिलित किया गया। ये नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य है, परंतु देश को नियंत्रण में रखने के लिए एक आधार है, क्योंकि देश में कोई भी कानून नीति बनाने में सरकार को ये निर्देश सिद्धांत मार्गदर्शन करते हैं। न्याय योग्य नहीं, इसका अर्थ है कि कोई भी अदालत इसे जबरदस्ती नहीं थोप सकती। मौलिक अधिकारों की भांति कोई भी व्यक्ति अदालत का सहारा लेकर कानूनी ढंग से राज्य की नीतियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करवाने अथवा लागू कराने जाने का दावा नहीं कर सकता। संविधानिक के इस भाग में राज्य से अभिप्राय भारत की सरकार और सदन, राज्यों की विधानसभाओं तथा स्थानीय कानून बनाने वाली संस्थाओं से है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। हमारे संविधान में निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत का आरिस रिपब्लिक के संविधान से लाया है। इनको हमारे संविधान के भाग चार में जोड़ा गया। इन सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से विवरण नहीं दिया गया, इसलिए इनको व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करना कठिन है। इनका तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आर्थिक सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत तथा विधि सिद्धांत। तभी तीनों प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों का नीचे उल्लेख दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह अपनी नीतियां इस प्रकार बनाए कि सभी नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने में व्यर्थ साधन उपलब्ध हो सके। समुदाय के भौतिक संसाधनों का अस्तित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो कि उसे सामूहिक हित में वृद्धि हो और सार्वजनिक हित में उसका उपयोग हो। देश की संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का कुछ थोड़े से हाथों में संकेंद्र ना हो जिसे सार्वजनिक हित को नहीं पहुँचे। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान परिश्रमिक मिले। मजदूरी करने वाले स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और बच्चों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना किया जाए। बच्चों को स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीने की सुगमता और अवसर दे। राज्य एक ऐसा प्रयत्न करे कि लोगों को काम करने, शिक्षा पाने, बेकरारी, बुढ़ापा, बीमारी या अपाहिज हो जाने पर, अर्थात जब वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थक हो जाए, तो राज्य उसकी आर्थिक सहायता करे। राज्य ये भी व्यवस्था करे कि व्यक्ति केवल उचित दशाओं में ही काम करे, उपरांत मनोविचित हो और महिलाओं के लिए प्रसूति अवस्था में सहायता दी जाने की व्यवस्था की जाए। मजदूर वर्ग को उचित जीवन निर्वाह मजदूरी मिले। राज्य के यह पाबंद करे कि किसी भी उद्योग या संगठन में काम करने वाले श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। राज्य काम करने वाले वर्गों को विशेष अनुसूचित जातियों व अनजातियों के जनजातियों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करें। गांधीवादी सिद्धांत कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए हैं। गाँव में पंचायतों का संगठन करना, गाँव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, गाँव में नशीले पदार्थों, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गाय भैंस आदि दूध पशु नस्लों को सुधारना तथा उन पर भेद प्रतिबंध लगाना, इन सभी सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है, कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। विधि नीति निर्देश सिद्धांत। इन वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि सभी भारतीयों के लिए एक जैसा समान आचार सिविल संहिता बनाई जाए। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में दी जाने की व्यवस्था करें। 2002 में
संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है। ऐसे कदम उठाए जाए जिनसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए, स्वास्थ्य को पौष्टिक भोजन के स्तर पर वृद्धि करें, कृषि और पशुपालन के विकास के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन निर्मित करें, ऐतिहासिक श्रमिकों को सुरक्षित बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के अच्छे संबंध बनाए रखना अर्थात राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिवर्ता के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयत्न करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की आवश्यकता को राज्य प्रोत्साहन प्रदान करें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, सभी देशवासियों के लिए काम के अधिकार की व्यवस्था करना, गोहत्या पर प्रतिबंध, सभी भारतीयों के लिए एक जैसी सहायता, सिविल कोड। नीति निर्देशक सिद्धांत, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूरी और महिलाओं का स्तर। शिक्षा की सार्वभौमिकता, पहले आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने के दिन से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दबाव डालें। भारत के स्वतंत्र होने पर भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझा और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। अब शिक्षा की स्तर बढ़कर 52 हो गई है, परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ जाने वालों के कारण 15 से 35 वर्ष की आयु के अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या को यदि हमने नहीं रोका तो इस शताब्दी के अंत तक अशिक्षितों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगी। 1986 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने नेशनल लिटरेसी ऑपरेशन बिले बोर्ड जैसे संगठन शुरू किए ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सके। ये व्यवसाय जो बचपन में प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वयंसेवी संस्थाओं के विशेष प्रयत्नों से रात्रि पाठशाला और वाक्से शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। 1978 में सरकार ने राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षा को एक और एक बढ़ाए, एक शिक्षा एक शिक्षित एक अनपढ़ को पढ़ाया का नारा दिया। इसका अर्थ है कि यदि हर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ को पढ़ाना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझ ले तो यह अशिक्षित की समस्या कुछ ही सालों में हल हो सकती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये एक प्रतीक उकित है जिसे सामूहिक शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किया गया। चूँकि सामपट प्रभावी रूप से सीखने और सिखाने के अनुभव में आवश्यक समझा गया है, सामूहिक शिक्षा के कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार हर गांव में एक स्कूल हो जिसमें सामपट ब्लैक बोर्ड और अध्यापक हो। कई राज्यों में दूरदर्शन शिक्षा पत्राचार दिए जाने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षा की व्यापकता के उद्देश्य को पाने के लिए नेशनल ओपन स्कूल और कई मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, परंतु अभी भी कुछ करने को शेष रहता है। आप भी दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम के तहत नेशनल ओपन स्कूल द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाल मजदूर, आपने पढ़ा कि नीति निर्देश सिद्धांत में एक सिद्धांत है अनुसरण बच्चों को स्वरूप रूप से विकसित होने के लिए अवसर और
सुविधाएं प्रदान की जाए। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के बारे में भी पढ़ा। 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को खानों और उद्योगों में नियुक्त करना जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए संकट पूर्व है पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारत बच्चों के अधिकारों के लिए आरंभ से ही संकल्पबद्ध है। यह हमेशा और हर ओर से बच्चों को शोषण अवहेलना और दुरुपयोग से बचाने की कोशिश करता है। बच्चों की आनंद पूर्व सुरक्षित और स्वास्थ्य बचपन देने के लिए बचपन वर्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स ने अभी बाल मजदूर बाल शोषण जैसे कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्य करने वाली संस्थाओं को धन देना आरंभ कर दिया है। इसने इस पर गंभीर रूप से विचार किया। जहां जहां भी बच्चे को उनकी शिक्षा संबंधी अधिकार से वंचित रखकर बाल मजदूरी में लगाने का प्रयास किया गया है वहां इसने सरकार को ऐसी स्थिति में तुरंत सुधार लाने को कहा है ताकि ऐसे बच्चे जो इस चंगुल से निकल कर आए हैं उसके लिए मौलिक शिक्षा पर जोर दें। इतने विचार विमर्श के बाद बुझ वह नतीजा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बहुत सारे हालतों में बाल मजदूरी को दूर करने में माँ बाप का रवैया सहायक नहीं साबित हुआ। वह बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं ताकि परिवार की आय बढ़े। निस्संदेह गरीबी भी एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें बच्चों के कल्याण करने की इच्छा की कमी है। बच्चों को उनके बचपन की खुशियों और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। महिलाओं की स्थिति इस संदर्भ में महिलाओं की स्थिति यह संकेत करती है कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली में उसका क्या स्थान है, उसको क्या अधिकार और सुविधा प्राप्त हैं, इनको कैसे निश्चित किया गया है, क्या इन सत्यों प्राधिकरणों या विशेष अधिकारों तक उसकी पहुंच है, क्या उसके स्तर की तुलना पुरुष के स्तर से की जा सकती है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति उससे गौण है। एक महिला चाहे वे माँ हो, पत्नी, बहन या एक बेटी हो, स्त्री की स्थिति ऐसी सामाजिक प्रणाली में कमजोर ही रहती है। सभी रीति रिवाज, धन संपत्ति, उत्तराधिकार या विवाह से संबंधित मान्यताएं पुरुष के पक्ष में ही जाती है। जन्म से ही पुरुषों को इस समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। लड़कों को बड़ा मान सम्मान मिलता है जबकि लड़कियों को उतना मान सम्मान तो मिलता है बल्कि उनके जन्म को एक दायित्व जिम्मेदारी माना जाता है। स्त्रियां हमारे समाज में कुरीतियों और धार्मिक कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा और दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण दुख पाती रही है। इस तरह से अभिप्राय है किसी व्यक्ति का उससे सामाजिक प्रणाली में आदर, स्नेह, प्राधिकार, सुविधाएं और दूसरों को प्रभावित करने से संबंधित उसकी स्थिति। भारतीय महिलाओं की दशा का एहसास करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत औरतों को बराबरी का हक और नारी शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार महिला को अधिकार प्राप्त है अपने जीवन यापन के साधन जुटाए और पुरुष के सामने कार्य में समान परिश्रमिक पाए। मजदूर महिलाओं को स्वास्थ्य और प्रसूति के लिए सहायता मिले। मौलिक कर्तव्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि नारी की हीन भावना को दूर कर उसकी मान प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाए। औरतों
की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कोई कानून बनाए गए हैं और न्यायालय में फैसले लिए गए हैं। उनके अधिकारों को सुरक्षा और संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दहेज के लिए बहू को जला देना, पत्नी को प्रताड़ित करना और सती जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून लागू किए गए हैं। लड़की को जन्म से पहले ही ख़त्म करवा देना, लड़की और लड़कों के जन्म में भेद करना, बाल विवाह आदि प्रतिबंध जैसे कदम, स्त्री को परिस्थिति को सुधारने में सहायक कर रहे हैं। महिलाओं को शक्ति को बढ़ाने के लिए पंचायत और नगर पालिका म्यूनिसिपार्टी में एक तिहाई औरतों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए हैं। इसी तरह सदन और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव है। इन पर प्रयत्नों के बाद उच्च भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ करना अभी शेष है। नीति निर्देशक सिद्धांत और लोक कल्याण राज्य। संविधान के निर्माताओं ने एक विशेष उद्देश्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया। हरेक वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार देकर राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना की, परंतु एक सफल कल्याणकारी तथा सामाजिक आर्थिक राज्य की स्थापना करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा जनतांत्रिक समानता की स्थापना आवश्यक थी। फिर भी अशिक्षित उन्मूलन सबके लिए नौकरियों का प्रावधान तथा अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत वो ध्रुव तारे का काम करते हैं, अर्थात मार्गदर्शन करते हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य है कि सरकार अपने भौतिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी जल्दी संभव हो सबको सब ओर से सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करवाए। परंतु हमें अब तक नीति निर्देश सिद्धांतों में आर्थिक सामाजिक समानता के कई उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके। कल्याणकारी राज्य, ऐसा राज्य जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों तथा उनकी सेवाओं का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले, उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य संपत्ति के समान बंटवारे के लिए संकल्पबद्ध होता है तथा गरीबी, कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं आदि की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की कार्यान्वयन। नीति निर्देशक सिद्धांत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की आधारशिला का काम करते हैं। इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ अपने उनके कई उदाहरण दिए गए हैं। ई भूमि सुधार की गए हैं और जमींदारी और जागीरदारी और जमींदारी व्यवसाय का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। औद्योगिकरण और कृषि उत्पादन को हरित क्रांति द्वारा बढ़ाया गया। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमि और संपत्ति की एक अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। राजकुमारों और व्यक्तिगत रूप से दिए जाने वाले खर्चों का उन्मूलन कर दिया गया है। जीवन बीमा, साधारण बीमा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। एक अधिकार पर नियंत्रण लाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आर्थिक समानता को कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्ययन से हटा दिया गया है। धन संपत्ति के समान वितरण और सामाजिक न्याय के लिए कर के ढांचे को सुधारा गया है। हरित क्रांति। हमारा कृषि उत्पादन कम होने के कारण हमें अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता था, किंतु कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोगों से कृषि उत्पादन एकदम से बढ़ा। अब हम न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि हमारे पास जरूरत से अधिक खाद के उत्पादन की यही वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। छुआछूत की बुराई का उन्मूलन कर दिया गया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ व्यवहार में लाए जाने के लिए शेष है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग
के लोगों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक प्राधिकार के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती रोज राज की स्थापना किया। 73वें और 74वें सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय विकायों को अधिक शक्तिशील बनाया गया। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। कई राज्यों में सरकारों ने तो शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। कई राज्यों ने तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र का सकारात्मक सहयोग दिया। दुविवाह की स्थिति में उच्चतम न्यायालय की चेतावनी के बावजूद भी राज्यों ने कोई समान नागरिक आचार संहिता नहीं अपनाई और ना ही अशिक्षा को दूर करने के लिए 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। जब हम अपने समाज की ओर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि शोषण, भूख और बीमारियों से रहित समान सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्य का हमारा सपना साकार हो पाना बहुत दूर है। क्या ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं, जैसे सीमित मौलिक स्रोत या न्यायपालिका द्वारा रुकावटें ढालना। हर बार न्यायपालिका कई ना कई बहाना रखे रुकावट टाल देती है, फिर सुधार कर रास्ता निकला जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को क्रियान्वित ना हो पाने की वास्तविक कारण इस प्रकार है। राज्य की राजनीतिक इच्छा में कमी, लोगों में जागृत और संगठित रूप में काम करने की कमी। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है जिनको राज्य ने मान्यता दी है। इसका स्वरूप ये है कि यह सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाती है। यह अंत सकारात्मक प्रवृत्ति की है। दूसरी और नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। सरकार को इसको हर स्तर पर लागू करना पड़ेगा ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना की जाए। मौलिक अधिकारों के उद्देश्य यह होता है कि हर नागरिक का विकास हो, हरक को व्यक्तिगत रूप से भलाई हो। परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत समाज कल्याण के लिए होते हैं। एक और अंतर इन में ये है जो कि पहले भी बताया गया है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते, इसलिए कुछ लोग इनको नए साल की सुकामना मात्र कहते हैं। इसे हम ये निष्कर्ष पर नहीं निकालना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से निम्न है। हमने देख लिया है कि भारतवर्ष में सरकार के निर्देश सिद्धांतों को देश के शासन के लिए मूल आधार माना है। इसने इन सिद्धांतों को कानून बनाने तथा नीति निर्धारित करने में लागू करने का प्रयत्न किया है। इन ये अंतर के बावजूद इसमें गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र को स्थापित करते हैं करने के स्थान है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सरकार के सभी विभागों को चाहिए कि इन निर्देशकों के अनुसार करें। यदि वे कल्याणकारी राज्य चाहते हैं, सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अपने हर कार्य के लिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, चाहे इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानून स्वीकृति नहीं है। अंतिम स्वीकृति तो लोगों की है। अब लोगों को मालूम पड़ा गया है कि ये सिद्धांत उनके कल्याण के लिए है, इसलिए वह इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। समय समय पर कराए जाने वाले चुनावों के द्वारा जनता सरकार पर दबाव डालती है। मौलिक कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी अधिकार कर्तव्य के बिना नहीं हो सकता। यही कारण है कि किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का काम
उस राज्य के कर्तव्य और अधिकारों की अच्छी संगठित प्रणाली पर निर्भर है। हम आपको यह भी बता दें कि आज किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए जोर केवल अधिकारों पर ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस पर भी जोर दिया जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं। शायद इसी विश्वास से 1976 में 42वें सुधार द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। एक नई धारा 51A के द्वारा संविधान के भाग 4 में जोड़ दिया गया, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, उसी प्रकार ये कर्तव्य और न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि भारत का कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं निभाता तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कर्तव्यों की सूची। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को संविधान की सूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रगान का आदर करें, ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित मिला था, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें, सभी वर्ग के लोगों को भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाएं और स्त्रियों की प्रतिनिष्ठा का आदर करें, गौरवशाली परंपरा और सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें, प्राकृतिक वातावरण जिसमें वन नदियां झील और जगत के जीव जंतु शामिल की जिंदगी में सुधार लाना तथा उनकी रक्षा करना, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संघर्ष करना, धारा 51 में 86वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि माता पिता आत्मे अथवा अभिभावक यह व्यवस्था करें कि उनके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं, वह वास्तविक नहीं जान पड़ते। इन कर्तव्यों की विशेष आलोचना इस प्रकार से है कि वह न्याय योग्य नहीं है, जिसका परिणाम ये निकलता है ये कर्तव्य संविधान पर बोझ बनकर रह गए हैं। कुछ कर्तव्य तो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है, जैसे गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति का अर्थ साफ नहीं हो पाता है। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कई परिभाषाएं हो सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्श से संबंधित कर्तव्य स्पष्ट है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में स्पष्ट आदर्शों में को सम्मिलित करने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा तो यह था कि स्पष्ट कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया जाना और उनका पालन करना भी आसानी से किया जाता है। यदि उनको भंग किया जाए तो सजा भी दी जाए। 1976 में एक न्यायशास्त्री ने कहा था कि शायद इन कर्तव्यों का पालन कभी भी नहीं किया जाएगा, इन सब का एक पवित्र घोषणा पत्र ही है। ये सत्य है कि कर्तव्य न्याय अयोग्य है, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत है, फिर भी न्यायालयों ने इन पर पूरा ध्यान दिया। इसी तरह से राष्ट्रीय वातावरण बनाए रखने के कर्तव्य। सर्वोच्च न्यायालय ने वातावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेजने, यमुना के पानी का प्रदूषण से बचाने के लिए बूचड़ खानों को आबादी के इलाकों से दूर ले जाने, राष्ट्रीय वातावरण को बचाने के कर्तव्य के बनाए रखना, इसी प्रकार औरतों के प्रतिनिष्ठा को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है कि स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का उल्लंघन किया गया तो स्त्रियों
की मान प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय उनके पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। आपने क्या सीखा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग चार में सम्मिलित किया गया। संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के विशेष उद्देश्य से संविधान में सम्मिलित किया। ये सिद्धांत राज्य सरकारों को लोगों की सामूहिक भलाई के लिए नीति और कानून बनाने के निर्देश देते हैं। ये है सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है और इन्हें किसी के ऊपर न्याय का कानून जबरदस्ती थोप नहीं सकता। फिर भी किसी देश की सरकार को चलाने के मूल आधार हैं। अपनी सुविधा के लिए हम इनको तीन भागों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक, गांधीवादी, विविध निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत शिक्षा की व्यापकता, बाल मजदूरी का उन्मूलन तथा स्त्रियों के स्तर में सुधार लाने पर जोर देते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का ढांचा बनाते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि सरकार इन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न कर रही है। इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली है, परंतु अभी भी कुछ करने को शेष है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। मौलिक अधिकारों की न्याय योग्यता सार्वभौमिक रूप से नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक है। इन दोनों में गहरा संबंध होता है। ये दोनों ही असामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में बराबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी इन निर्देशक सिद्धांतों को कार्यरत करने पर जोर दिया है। सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकता, उसे इनको न्यायकृत करना ही पड़ता है, क्योंकि ये देश की सरकार को चलाने के लिए आधार है। यदि सरकार इनकी अवहेलना करती है तो अगले आम चुनाव में लोग इसको सत्ता में नहीं आने देंगे। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज के कल्याण में उन्नति के लिए अधिकारों और कर्तव्यों को समान रूप से बांटा जाना चाहिए। 11वें मौलिक कर्तव्य है, जिनको 1976 में 42वें सुधार के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है। इनको निर्देशक सिद्धांतों की तरह 51 धारा में न्याय योग्य सिद्धांत किया गया है। भले ही यह आदर्श या स्पष्ट विचार है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मसलों में इन पर विचार किया है, जैसे वातावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को जनजीवन की रक्षा करना। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।